दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और मौसम काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है क्योंकि अभी नहाए हैं और सुबह सुबह पाला पड़ता है ठंडियों में। और एक ये है प्रिशु, अभी अभी उठ रही है और अभी इसने मुंह भी नहीं धुला है। और हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं मधमेश्वर मेले की। तो मधमेश्वर का मेला लगता है उखी मठ में। आज 21 तारीख है और आज मधमेश्वर भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखी मठ में आने वाली है। तो उससे पहले डोली हमारे गांव फापन में आएगी, वहां पे डोली को अर्घ्य दिया जाता है। तो हम भी अभी डोली के दर्शन करने जाएंगे, तो आप लोगों को भी सबसे पहले डोली के दर्शन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको फापन गाँव में। दोस्तों राणा जी ने ये सुंदर घर के फूल निकाले हैं और ये फूलों की माला बनाएंगे हम भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो राणा जी अभी माला बना रहे हैं अपने घर के फूलों से। हमारे घर में रवेली के फूल थे और ताज़े ताज़े फूल थे, तो इन्होंने बोला है कि इसकी माला बनाएंगे और काफ़ी सुंदर लग रही है इसकी माला। दोस्तों अभी मैं उखी मठ मार्केट में पहुँच चुकी हूँ क्योंकि डोली आने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे। तो अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि सारे लोग डोली के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं मनसूना की तरफ। तो मार्केट थोड़ा सा सोना है, तो थोड़ी देर में हम लोग भी निकल जाएंगे डोली के दर्शन करने के लिए और यहाँ से हम लोग जाएंगे फापंच की तरफ। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ गांव में फिर से वापस और अभी यहाँ पे मेरे को दीदी भी मिल गई है। हेलो, ये भी ब्लॉगिंग करने पे लगी हुई है। मेरे आज की वीडियो में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम ना भगवान जी के नजदीक तो जा नहीं सकते, तो मंदिर में भी नहीं गए क्योंकि हमारे परिवार में हमारे परिवार के सासू जी गुजर गए हैं, तो नहीं जा सकते। खास वीडियो नहीं बना है, जितना भी बना होगा उसे एंजॉय करना। तो अभी डोली ऊपर है हमारे गांव में, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं ऊपर गांव में जो पंचायती चौक है वहां पे डोली को अर्घ देते हैं गाँव वाले। तो भाग भाग के जाना पापा। तो अभी हम चौक में पहुंच चुके हैं जहाँ पे डोली है। तो मेरे हाथ पे ना दो दो कैमरे हैं, ये भगवान जी का टीका लग चुका है मुझे भी, और मैं बैक कैमरा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दो दो कैमरा है, एक दीदी का है एक मेरा है। और आप लोगों को पहले सबसे पहले मैं डोली के दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पे भगवान जी के बहुत ज्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। तो दो दो कैमरा होल्ड करना बहुत टफ हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। रुक है मधमेश्वर भगवान की चंदन और बहुत ही तीखी खुशबू आती है इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और कहते हैं एक बार भगवान का चंदन अगर टीका अगर माथे पे लग गया है तो समझ लो हमारी जन्मों जन्मों के बाद धुल गए हैं। दोस्तों डोली के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस उखी मठ पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छे से डोली के दर्शन हो गए हैं और ये चंदन का टीका लगा के बहुत ज़्यादा ठंडक मिल रही है सिर को। और अब सब कुछ अच्छा हो गया है, सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन हो गए हैं, अब पूरा दिन अच्छा जाएगा। और मेले में अगर जाना हुआ तो आप लोगों को जरूर मेला भी दिखाएंगे। मार्केट में ना गाड़ियों की भीड़ शुरू हो गई है, बहुत भयंकर वाला जाम लग रहा है। मैम कैसा रहा मेला? अच्छा रहा, हाँ बिल्कुल
साहब सिंह रमोला जी और आकांक्षा रमोला जी की गाड़ी है। कल मनसूना आए थे लोग मेले में और काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ है वहाँ पे भी। अभी रात हो चुकी है और यहाँ पे दीदी भी आ गई है, जलेबी खा रही है क्योंकि ये भी आज उखी मटी रहेगी ना नीचे मम्मी और के साथ। तो आज हम लोग मम्मी और के पास जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं मम्मी लोगों से। तो ये देखिए अभी दुकान की क्लोजिंग चल रही है, ये सासू माँ भी आ रखी हैं, प्रीशु भी आ रखी हैं, तो हम सब मम्मी पापा को मिलने जाएंगे पूरे 6 महीने बाद। 6 महीने बाद दिख रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। बाबा मदनेश्वर की डोली भी जाती है, वो लोग भी जाते हैं, फिर डोली नीचे आती है, वो भी नीचे आते हैं। हाँ। पूरे 6 महीने तक फोन पे बात होती है, आमने सामने आज ही हो रही मुलाकात। चल मुड़ नहीं होना कख पनोको दी जा, चल मुड़ नहीं होना। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं इंटर कॉलेज के फ्रंट में और यहाँ पे हो रही है मतलब मेले के जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं वो यही होते हैं। तो आज यहाँ पे आए हुए हैं जाकर सम्राट श्री वीरतम मर्थोर जी, तो आप उनसे भी मिलाएंगे। तो दोस्तों ये भी ब्लॉगर है, कभी कभी ब्लॉग्स डालते हैं और आज तो आपको ज्यादातर यहाँ पे ब्लॉगर ही देखने को मिलेंगे और जिसको भी देखो वो सब कैमरा लेके घूम रहे हैं। अभी हम डांस करेंगे थोड़ी देर में। ढोल उत्तराखंड का लोक जीवन और जो भी बहुत पकड़ के और समृद्ध साहित्य लेखन ये बात तो दुर्लभ चीज है कि आज डॉक्टरेट और भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से विभूषित चर्चा बहुत सम्मान के साथ आपके ताजे कवि पद्म श्री डॉक्टर प्रीतम भरद्वाज जी। सिद्धिविनायक भगवान गणेश जी ने प्रणाम करो, भगवान देवादी पद्महेश्वर जी का चरणों माथा नमो दो, पंच केदार बाबा को स्मरण करो, स्मरण करो भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी चार धाम पंचप्रिया भगवती गंगा भगवती यमुना अलकनंदा प्रिया।